तुम खामोश क्यों हो चांद? बताओ ना सबको कि ये इल्जाम गलत है। ये क्या बोलने की? इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि सब कुछ चांद के पीछे कबूल करूं। बस कर दो हसन, मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। डैड, मैं भी गैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो चांद, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब? जान, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा, तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। तुम बोलो, प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बता दो, इस तरह खामोश मत रहो। हसन काफी बिजी था आज, वो डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी है ना, क्या नाम है उसका, जिया। हाँ जिया, बस वो उसी के साथ कुछ मीटिंग्स थी उसकी। मेरा तो ख्याल है अभी भी दोनों साथ में ही होंगे। वैसे बिली बता रहे थे कि काफी शौक है उस लड़की को बिजनेस सीखने का, इसलिए डैड ने उसे हसन के साथ काम करने के लिए लगा दिया। और हसन तो आज ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई कारनामा अंजाम देने वाला। खाना लगा दो। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ, घर है मेरा, और अगर मुझे खाना होगा तो किसी मुलाजिम से कह दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे हैरत की बात है, सुबह से गए हुए, इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, मगर आप दोनों ने फिर भी डिनर नहीं किया। आप दोनों ने? आप दोनों से क्या मुराद है, कहना क्या चाह रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लड़की के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, इसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब भी हो गया या ठिकाने लगाऊं मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बात कहने की? मैं आपकी बीवी, आपसे सवाल करना मेरा हक। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया हुआ। मगर आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके निकाह में हूँ। निकाह के चार पेपर्स ने इस घर के दरवाजे तो तुम पे खोल दिए, लेकिन मेरे दिल के नहीं चांद। मेरे दिल के दरवाजे नहीं खोले तुमने, याद रखो। इतने पास हो के भी दूरियां क्यों रहती हैं, हम किसे बताऊं वो धड़कने जो सहती हैं, खो गए मोहब्बत के सिलसिले न जाने। क्या समझती अपने आप को, यहां भूख से जान निकली जा रही है, उसकी फजूल बातें नहीं खत्म होती।